दोस्तों यारों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपको थंबनेल बनाना नहीं आता ना, तो व्यूज को बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि दोस्तों व्यूज तभी आता है जब आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैं न्यू यूट्यूबर को देखता हूँ जो कि वीडियो बहुत अच्छे बना लेते हैं, वीडियो भी शूट अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनका थंबनेल भाई सही से नहीं जाता ना, इसीलिए आप लोग के वीडियो पे 2 से 5 व्यूज आता है और डायरेक्ट से व्यूज रुक जाता है। क्योंकि भाई वीडियो को वायरल कराने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका थंबनेल। अगर आपका थंबनेल जितना ज़्यादा प्रोफेशनल रहेगा भाई, आपके वीडियो पर क्लिक होगा और जैसे आपके वीडियो पर क्लिक होगा और ऑटोमेटिक से आपके वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आने लगेगा और आपका वीडियो वायरल होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो दोस्तों आज मैं वो वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिस वीडियो का आप लोगों का काफ़ी दिनों से इंतजार था। बहुत सारे दोस्त लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि टेक्निकल एसी सर, आप अपना थंबनेल कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए और हम लोग को सिखाइए। तो आज दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग को भी थंबनेल मास्टर बनना है, थंबनेल का बॉस बनना है, तो आज आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपना भाई का नाम जान लीजिए, मैं नवल पटेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एसी यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहले बार है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। देखो दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूं। यहां पे मनोज देव का थंबनेल आप देख लीजिए लाइव प्रूफ, यहां पे इनका थंबनेल कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है। अगर आप भी इस तरीके से थंबनेल बनाना सीख जाते हो तो भाई वीडियो पर 100% व्यूज आएगा। और यहां पे एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए टेक्निकल योगी सर का, यहां पे थंबनेल आप देख लीजिए, और यहां पे सचिन मोरिया जो भैया है उनका भी यहां पर आप थंबनेल देख लीजिए, और यहां पर जुन्नू केटे सर का भी थंबनेल देख लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से थंबनेल बनाना सीख जाते हो तो भाई आप लोग समझ सकते हैं इनका वीडियो पे भाई मिलियन में व्यूज आता है, लाख में व्यूज आता है, तो आप लोग के भी वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर खुद आप मेरा थंबनेल देख लीजिए, तो मेरा थंबनेल यहां पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आप लोग के आंखों के सामने है। तो चलो दोस्तों मैं साइड मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके आपको तरीका बताता हूं आखिर आप भी मेरे जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। बनाना चाहते हो तो भाई वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप थंबनेल का मास्टर बनिएगा। चलो यहां पे दोस्तों मैं साइड मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे क्लिकेबल थंबनेल, प्रोफेशनल थंबनेल बनाना। तो दोस्तों मैं साइड मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिए, ऑन कर लेने के बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को अगर आपके फोन में नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपल सा दोस्तों यहां से आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां से आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहां से डिलीट कीजिएगा तो जो टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। फिर से आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक इमेज साइज का ऑप्शन मिलता है, इमेज वाले साइज ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि यूट्यूब चैनल बैनर और यूट्यूब थंबनेल भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बनाना है ना, तो सिंपल सा अभी क्या बनाना है, यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके देने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी रिलेटेड अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं भाई, आपके जो भी कैटेगरी का है उससे रिलेटेड आप इजीली मेथड से थंबनेल बना सकते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां से कलर ग्रेडिंग पे आपको क्लिक करना है, यहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहां पर देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना और जो भी आप कलर लेना चाहते हैं, सिंपल सा मैं अभी के लिए यही कलर लेना चाहता हूं, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो कलर यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पर टिक वाले ऑप्शन पर आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे अगर आप यहां पे क्लिक कीजिएगा ना, फिर से यहां पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से एक बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, और यहां पे करंट डेट का ऑप्शन, स्टिकर का, सेव का ऑप्शन, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल सा ना आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहां से मैं क्लिक कर लेता हूं, एक सेकेंड दोस्तों, चलो फ्लेम ग्लेरी पर मैं क्लिक कर लेता हूं और जैसे यहां पे क्लिक करूंगा तो भाई बहुत सारे यहां पर शेडो आपको मिल जाएगा, जो शेडो में क्या लिंक मैं ना टेलीग्राम के ग्रुप में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप लोग जाके सारा जो मटेरियल मैं इसमें यूज कर रहा हूं सारा मटेरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल से जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हर एक अपडेट थंबनेल से रिलेटेड मैं वो टेलीग्राम में देता रहूँगा, जो भी चीज़ चाहिए आप लोग उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो दोस्तों यहाँ से आपको ये वाले कलर सेव वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से थोड़ा इसको जूमिंग कर लेना, ठीक है ना। यहां से चलो मैं जूमिंग करके बताता हूं,
यहाँ से आपको साइड में लगा देना है। जैसे यहाँ पर साइड में लगाने के बाद ना यहाँ से आपको लॉक कर देना है, लॉक के ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपल सा आपको लॉक कर देना है ताकि जो आपका सेफ है ना इधर उधर नहीं होगा, इधर उधर नहीं घसकेगा, ठीक है। फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ़ोटो ले लेना है, जो फ़ोटो यहाँ से चलो ग्रैली पर मैं आता हूँ, और आपको जो भी फ़ोटो लगाना है ना आप बीजी रिमूव से डायरेक्ट आप रिमूव कर सकते हैं। आप क्रोम पर जाइएगा और बीजी रिमूव सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको इमेज शो हो जाएगा। तो चलो यहाँ से मैं वो इमेज ले लेता हूँ जो इमेज का मुझे यहाँ पर चाहिए। यहाँ से चलो यहाँ से मैं अपना इमेज सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद टिक वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से थोड़ा इमेज को भी बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद ना यहाँ से आपको क्या करना है, इस फोटो को भी लॉक कर लेना। जैसे आप फोटो को लॉक कीजिएगा तो यहाँ से आपका फोटो लॉक हो चुका है। लॉक हो जाने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और जो भी आपको शैडो वगैरह चाहिए वो शैडो वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलो ये वाला मैं शैडो ले लिया हूँ। शैडो ले लेने के बाद यहाँ पर बैक पर क्लिक कर लेता हूँ और जैसे बैक पर क्लिक करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि साइज बाई साइज इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ पे टेलीग्राम पे आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो चुका है परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ से आपको इसको भी लॉक कर देना है, इसको भी लॉक कर देना है, ठीक है ना। लॉक हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आप फोटो वगैरह लेना चाहते हैं, पहले एक और आपको शेप लेना है जो कि यहाँ पे, और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका कलर चेंज होगा। सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। कलर अगर आपको चेंज करना है तो सिंपल सा इस वाले कलर वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर वाले ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल सा इसको इनेबल कीजिएगा तो जो भी कलर रखना है यहाँ से आप कलर पर क्लिक करके ना यहाँ से आप रख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जो भी कलर, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। चलो मैं इनको यहाँ से थोड़ा यहाँ से हल्का सा यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, प्रॉपर तरीके से यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ और आप भी अपने थंबनेल के लिए प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, पहले इन शेप को भी मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक कर देने के बाद यहाँ से थंबनेल का पिक आपको लेना है, ठीक है। जो भी थंबनेल वगैरह है यहाँ से मैं पिक ले लेता हूँ, बाकी आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना ज़्यादा आप टाइम दीजिएगा ना बनाने में उतना अच्छा आपका थंबनेल वगैरह भी बनेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। फोटो को लेकर यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ और छोटा कर लेने के बाद थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ऐसे कर लेने के बाद ना फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आ जाने के बाद फिर से मैं फ़ोटो ले लेता हूँ थंबनेल वाला और यहाँ से मैं सेट करके बताता हूँ, एकदम से प्रोफेशनल तरीके से आपको यहाँ से सेट करके बताता हूँ, ठीक है। ऐसे फिर से इसको ऐसे कर देना है, फिर से ऐसे कर देना है ना थोड़ा सा, फिर से एक और ले लेना है यहाँ से और गैलरी पे आना है और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फटाफट से मैं सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ तरीका। यहाँ से आपको भी ऐसे कर लेना है थोड़ा सा, ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। बाकी थोड़ा इसका साइज है जो छोटा कर लेना है। देखो साइज का क्या है, जितना ज़्यादा अगर आप इस पर फोकस देके साइज को सिलेक्ट कीजिए ना उतना अच्छा खासा आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अब आपको इसमें स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्ट्रोक दे दीजिएगा। मैं अपने हिसाब से स्ट्रोक दे देता हूँ सारे पे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी स्ट्रोक दे देता हूँ ताकि थंबनेल ना, स्ट्रोक से क्या होता है थंबनेल देखने में अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो गया तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, फ्रॉम गैलरी पे फिर से क्लिक करना है और ये जो थंबनेल है ना थोड़ा लटका हुआ लगना चाहिए कि हाँ किसी पे लटका हुआ है, तो उस वाले पीएनजी को मैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो वाला पीएनजी यहाँ पे है तो ये वाला मैं पीएनजी ले लेता हूँ और ऐसे यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये वाला पीएनजी को और कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर तरीके से फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से यहाँ से मैं सेलेक्ट करके लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पे सारा जो थंबनेल है लग रहा है कि हाँ किसी चीज़ पे लटका हुआ है, यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से लगा दिया हूँ। लगा देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से आना है डायरेक्ट और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों ना अब आपको फ्रॉम गैलरी पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ से चलो मैं फिर से एक चीज़ मैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ जो चीज़ लेना चाहिए। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ यहाँ से मैं ले लेता हूँ,
यूट्यूब का लोगो, शायद यूट्यूब का लोगो यहाँ शायद नहीं है। चलो मैं यहाँ पे मैं यूट्यूब का लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, लोगो नहीं है लेकिन लोगो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, शायद डिलीट हो गया होगा। चलो यूट्यूब लोगो PNG यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, PNG ठीक है ना, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप भी सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे लोगो मिल जाता है। अगर आप जब भी गूगल पे सर्च कीजिएगा ना तो बहुत सारे लोगो मिल जाएगा आपको, आप अपने हिसाब से ना यूट्यूब का लोगो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ से यूट्यूब का लोगो डाउनलोड कर लिया हूँ। कर लेने के बाद दोस्तों मैं फिर से पिक्सेल ऐप पे आता हूँ। यहाँ से कहाँ गया पिक्सेल ऐप, एक सेकेंड दोस्तों, फिर से मैं पिक्सेल ऐप पे आता हूँ और आ जाने के बाद यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद फिर से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक कर लेने के बाद ना यूट्यूब का लोगो जो मैं डाउनलोड किया होता हूँ वो उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ से यूट्यूब का लोगो डाउनलोड हो चुका है। और बस इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ना यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और ताकि ये भी थंबनेल है ना जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है ना, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। और इसमें एक चीज़ देना है मुझे, एक चीज़ ज़रूर देना है ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे, बाकी तो अट्रैक्टिव लग ही रहा है। और यहाँ पे फिर से वाले मैं आता हूँ गैलरी फ्रेम पे, और यहाँ से मैं वो ले लेता हूँ जो कि लटका हुआ लगना चाहिए ना, इसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये भी लगना चाहिए कि यहाँ लटका हुआ है। अब आपको दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे एक टेक्स्ट को यूज करना है, जिसके लिए शेप यहाँ से भी बना सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी शेप ले सकते हैं, जो भी आपका कलर लेना है, बाकी यहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि सारा चीज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा आपको, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं एक अपने तरफ से शेप एडिटिंग करके रखा हूँ, यहाँ से ऐसा आपको शेप ले लेना है, ठीक है ना, इस तरीके का आपको शेप ले लेना है। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लंबा कर देता हूँ, चलो यहाँ से मैं लंबा कर देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, बाकी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हो चुका है। अब आपको इसमें क्या टाइप करना है, सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल कैसे बनाएं, यहाँ से आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले का ऑप्शन मिल जाता है, और जैसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पर सिर्फ ऐसे करके आपको यहाँ पर दे देना है। मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में या 2 मिनट में आप जितना भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट में, 2 मिनट में ऐसे करके यहाँ पे लगा देना है। और इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है ना दोस्तों, तो सिंपल सा आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ से AB पे क्लिक करना है। AB पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से फॉन्ट आ जाता है, और जो कि फेवरेट फॉन्ट है ना, और इस फॉन्ट का लिंक भी मैं टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ओके जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इन सारे टेक्स्ट को ना मैं लॉक कर देता हूँ फटाफट से, यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर नहीं हो पाएगा, नहीं तो इधर उधर हो गया तो भाई काम बात गड़बड़ा जाएगा, है ना। चलो सारा चीज़ को मैं यहाँ से लॉक कर दिया हूँ। लॉक कर देने के बाद दोस्तों ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेने के बाद ना यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ब्लैक कलर यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, ठीक है ना, ब्लैक कलर रख लिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ है कि ये जो आप शेप दिए ना, शेप को थोड़ा बड़ा कर लेना है, ऐसे करके थोड़ा बड़ा कर लेना है, क्योंकि उतना ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, हल्का सा बड़ा कर लेना है। चलो मैं हल्का सा बड़ा कर लिया हूँ, और यहाँ से फिर से मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक कर देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एक शेप लेना है, जो कि यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ। चलो यहाँ से एक रेड कलर का मैं शेप ले लेता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ना एक रेड कलर का मैं शेप ले लेता हूँ। चलो ए वाला शेप ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा ऐसे करके ना यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से सेट कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। और थोड़ा इसको लंबा कर देता हूँ, लंबा कर देने के बाद ना ऐसे हल्का सा ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से हल्का सा ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको। और यहाँ पे आपको एक चीज़ टाइप करना है थंबनेल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको थंबनेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चलो थंबनेल मैं टाइप कर लेता हूँ, थंबनेल, एक सेकेंड दोस्तों,
थंबनेल, यहाँ से थंबनेल्स, यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ और इसका भी फॉन्ट यहाँ से आके मैं चेंज कर लेता हूँ। ए पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना, इसका फॉन्ट चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ए वी फॉन्ट। और फिर से इसको खंड वाले फॉन्ट लगा देता हूँ ताकि ये देखने में बोल्ड लगे, ठीक है। अब आपको इसको बड़ा करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना है। चलो यहाँ से मैं बड़ा कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ दो मिनट में थंबनेल कैसे बनाएं। फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना है भाई आपको प्लस वाले आइकन पर ही क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर दो मिनट में थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है कैसे बनाएं, यहाँ से लिख देना है और ऐसे यहाँ पर सेट कर देना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं, एक यहाँ पे शेप देना है जो कि मैं शेप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे ऐसा शेप आपको लगा देना है, पहले मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, कहाँ गया, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, इस तरीके का शेप ना मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बाकी इन सभी को पहले मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक कर देने के बाद ना इस तरीके का शेप आप ले लीजिएगा ताकि देखने में बहुत अच्छा लगता है शेप, है ना। अब आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनाएं। अब बस इसको इसका कलर है ना जो कि ब्लैक कलर कर देना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कलर का। अब इसको यहाँ से मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे और इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। चलो यहाँ से मैं फॉन्ट भी चेंज कर लिया हूँ और फॉन्ट चेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा। चलो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो थंबनेल है यहाँ पे आप देखो दोस्तों, मैं आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अगर जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा ना थंबनेल बनाने में आप उतना अट्रैक्टिव बना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो थंबनेल है मैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन से बनाकर आप लोग को बताया हूँ। बहुत सारे दोस्त लोग क्या करते हैं जो कि पिक्सेल लैब में नहीं बनाने आता है, तो भाई अगर आप इस वीडियो देख लिए होंगे तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से कि जैसे मैं थंबनेल बनाया हूँ ना, अगर आप इस तरीके से थंबनेल बनाइएगा। और देखो ये नहीं है कि एक तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताया, आप जितना ज़्यादा इसमें मेहनत दीजिएगा, जितना ज़्यादा अगर आप मान लो जितना आप एडिटिंग में फोकस कर रहे हैं अपने वीडियो को एडिटिंग करने में, उससे कई गुना आप थंबनेल बनाने में फोकस दीजिए और यहां पे आप टाइम दीजिए। अगर आप टाइम देते हो ना तो भाई 100% भाई आप थंबनेल अच्छे और क्लिकेबल थंबनेल बना लीजिएगा। मैं क्योंकि भाई देखता हूं कि मैं भी थंबनेल में बहुत ज्यादा टाइम देता हूं और यहां पर मैं आप लोग को सही तरीके से एक एक चीज बताया हूं ताकि आप इजी मेथड से आप भी मेरे जैसा थंबनेल बना सके। तो यहां से आपको क्या करना है, मान लीजिए थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है, तो जैसे यहां पर पहले मैं यहां पर नेट ऑफ कर लेता हूं ताकि एड वगैरह ना आए। जैसे कि यहां पर थंबनेल बन के रेडी हो चुका है तो यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन, और आप थ्री डॉट पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिंपल शॉर्टकट सेव करना चाहते हैं तो यहां पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे देख सकते हैं सेव एज अ इमेज और प्रोजेक्ट में सेव कर लीजिएगा ताकि बाद में अगर कुछ टेक्स वगैरह आपको चेंज करना पड़े तो आप इजिली मैटर से टेक्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं अभी यहां पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहां से सेव टू ग्लैरी पर क्लिक करने के बाद ना जो मैं थंबनेल बनाया वो सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों अपने थंबनेल को सेव कर सकते हैं और जितना ज्यादा अपने थंबनेल को बनाने में टाइम दीजिएगा उतना अट्रैक्टिव आपका भी थंबनेल बनेगा। देखो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि देखो ऐसे मुझे ऐसे अगर आप लोग को शॉर्टकट में बनाकर बता देता तो भाई आप लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन इसलिए इस वीडियो का ज्यादा लेंथ हो गया और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। क्योंकि देखो दोस्तों वीडियो को वायरल कराने के लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आपका थंबनेल, क्योंकि जब तक अगर आप थंबनेल सही तरीके से नहीं बनाइएगा तब तक आपका वीडियो पे बिल्कुल व्यूज नहीं आएगा। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग थंबनेल पे ना थोड़ा क्लिक वेट वगैरह करके आप टेक्स्ट वगैरह टाइप कीजिए, क्योंकि थोड़ा सोचने में भी आप लोग टाइम दीजिएगा कि भाई आखिर थंबनेल पे कुछ ऐसा मैं टेक्स्ट लिखूं जिससे जो भी सब्सक्राइबर के पास या जो भी ब्राउज यूट्यूब ब्राउज फीचर में फेटे अगर वीडियो को मेरा पिठाते हैं ब्राउज फीचर में तो लोग थंबनेल देखकर ही मेरा वीडियो पे क्लिक कर दे। इस तरीके से आपको थंबनेल बनाना है। तो यहां पर सेव हो चुका है दोस्तों, अब सेव हो जाने के बाद आपका जो वो थंबनेल एडिटिंग किया है वो गैलरी में गया होगा। यहां से मैं आपको बता देता हूं
चलो यहाँ से एक बार मैं गैलरी में भी आके आप लोग को बता देता हूँ आखिर वो जो थंबनेल मैं बनाया हूँ कैसा थंबनेल बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं जो थंबनेल मैं एडिट किया हूँ यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल्स कैसे बनाए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो थंबनेल है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप इसी तरीके से थंबनेल बना सकते हैं। एक सेकेंड दोस्तों मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें मैं सारा डिटेल से आपको समझाया हूं कि इस तरीके से आपको थंबनेल बनाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चैनल वाले को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।